Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Educators Al-Kaleem Campus Online Classes. So, आज हम Chapter 8 Biology का शुरू करेंगे जिसका नाम है Nutrition. तो Nutrition की definition सबसे पहले हम करेंगे Nutrition, the process by which food is obtained, absorbed and converted into the body substances. मतलब क्या है Nutrition का? कि वो प्रोसेस जिसमें फूड को हासिल किया जाए, उसके बाद एब्जॉर्ब किया जाए और फिर उसको बॉडी का हिस्सा बना दिया जाए, वो कहलाती है न्यूट्रिशन. उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन जो है, हमें ये पता होना चाहिए कि न्यूट्रिशन कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं मेनली जो कि न्यूट्रिशन से फ़ायदा उठा सकते हैं. तो सबसे पहले मेन चीज़, फर्स्टली ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं. Autotrophs organisms which can prepare their own food. ऐसे organisms जो अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं वो autotrophs कहलाते हैं. Example है plants. And the next definition is heterotrophs. Heterotrophs क्या होते हैं? Organisms which cannot prepare their own food but they depend on the other living organisms. ऐसे organisms जो कि अपना food खुद prepare ना कर सकें बल्कि वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं. फॉर एग्जांपल ह्यूमन और एनिमल ऐसे ऑर्गेनिज़म्स हैं जो कि क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो दूसरे ऑर्गेनिज़म्स जैसे कि प्लांट्स हैं उनसे हासिल करते हैं और अपनी बॉडी का पार्ट बनाते हैं. उसके बाद मेनली नेक्स्ट जो डेफिनेशन आती हैं वो आती हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, और अक्सर पेपर में इनका डिफरेंस भी पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या हैं, द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी किसी भी बॉडी को, किसी भी ऑर्गेनिजम्स को ज़्यादा मिकदार में ज़रूरत होती है वो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल फॉस्फोरस, कैल्शियम एंड सल्फर, ये तीन मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हैं जो कि किसी भी प्लांट बॉडी के लिए स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में उनको रिक्वायर होते हैं. अगली चीज़ आती है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स. माइक्रोन्यूट्रिएंट्स क्या है, द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट. ऐसे न्यूट्रिएंट्स जिनकी किसी भी ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को थोड़ी मिकदार में ज़रूरत होती है वो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स कहलाते हैं. फॉर एग्जांपल आयरन, कॉपर एंड जिंक, ये तीनों एग्जांपल्स हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की जिनकी बॉडी को बहुत कम मिकदार में ज़रूरत होती है. ठीक है, ये था आज का हमारा चैप्टर, जो चैप्टर नंबर 8 था जो हमने शुरू किया था. उसमें हमने जो डेफिनेशन बेसिकली की हैं वो है न्यूट्रिशन की डेफिनेशन है, ऑटोट्रॉप्स की डेफिनेशन है, हेटरोट्रॉप्स की डेफिनेशन है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स की और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की. Thank you so much. Stay home, stay safe.